डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वीडियो में सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, वो उनका मीनिंग, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस देखा, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। नाउ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मीन्स स्क्यूनेस जो है उनका एब्सोल्यूट मेजर कौन सा है एंड रिलेटिव मेजर कौन सा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, तो वो आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। आपको मालूम है रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर्स। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर द रिलेटिव मेजर्स। तो द डिफरेंस इज बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, जो भी मेजर में वो मेजर की वैल्यू के साथ अगर यूनिट आता है तो उनको कहेंगे हम एब्सोल्यूट मेजर, और अगर यूनिट नहीं आता है विच इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मीन्स द रिलेटिव मेजर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का अगर यूनिट आप लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजर है, एंड यूनिट अगर नहीं लिखते हो तो वो रिलेटिव है। रिलेटिव मेजर क्यों फाइंड करते हैं, तो वो भी आपने फोर्थ चैप्टर में देखा, फॉर कंपेरिजन। सिंपली देर इज ओनली वन रीजन फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव मेजर, फॉर कंपेरिजन। आप एब्सोल्यूट मेजर से कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर यूनिट होता है, तो अगर यूनिट डिफरेंट हो तो वी कांट कंपेयर देम। मगर रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं आता है तो कोई भी वैल्यू में साथ में यूनिट नहीं होगा तो आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ रिलेटिव मेजर फॉर कंपेरिजन। नाउ एब्सोल्यूट मेजर कौन सा है, तो हियर स्क्यूनेस विच इज डिनोटेड बाय एस के। स्क्यूनेस को हम एस के से डिनोट करेंगे, और स्क्यूनेस जो है वो है एब्सोल्यूट मेजर। और एब्सोल्यूट मेजर है तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस की वैल्यू के साथ मेजरमेंट का यूनिट आएगा, और उनका जो रिलेटिव मेजर है उनको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज डिनोटेड बाय जे, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है रिलेटिव मेजर की, तो द रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज डिनोटेड बाय जे। और रिलेटिव मेजर है तो यूनिट नहीं आएगा, और अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन आप स्क्यूनेस से नहीं कर सकोगे, आपको कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो टू और मोर देन टू डेटा सेट्स हो, और अगर आपको उनकी कंपैरिजन करनी है तो आप दो या तो दो से ज़्यादा जो ग्रुप्स है उनका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे फाइंड करो, और वो फाइंड करने के बाद आप कंपैरिजन कर सकते हो किस में स्क्यूनेस ज़्यादा है, किस में कम है, किस में वेरिएशन ज़्यादा है, किस में वेरिएशन कम है, वो सब कंपैरिजन आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से कर सकोगे। तो आपको यहाँ पर ये दो मेजर्स फाइंड करने हैं, पहला मेजर है वो है स्क्यूनेस विच इज़ अ एब्सोल्यूट मेजर, एंड दूसरा है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज़ द रिलेटिव मेजर। नाउ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मेथड्स या तो फॉर्मूला। आपको अब जो स्टार्ट हो रहा है वो सम्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और सम्स के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए दो मेथड्स है यहां पर। फर्स्ट है
कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलीज मेथड। आंसर इन वन लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, राइट या तो स्टेट द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलीज मेथड। कार्ल पियर्सन का नेम तो आपने थर्ड एंड फोर्थ दोनों चैप्टर में सुना है, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, द फादर ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स इज कार्ल पियर्सन। एंड बाउली विच इज ऑल्सो अ नेम ऑफ स्टेटिस्टिशियन, और उनके नेम से ही उनकी मेथड का नेम है बाउलीज मेथड। अब दोनों मेथड का हम थोड़ा स्टार्टिंग देख ले, बेस देख ले, तो स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को प्रॉपर्टीज आई थी, उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल इन स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मीडियन एंड मोड की वैल्यू इक्वल नहीं होगी स्क्यूड में। वो जो प्रॉपर्टी है उनका यूज कार्ल पियर्सन ने किया है। दैट मीन्स कार्ल पियर्सन मेथड में आपको फाइंड करने हैं एक्स बार एम एम ओ एंड एस। कार्ल पियर्सन मेथड में मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होगा। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन M, विच इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो प्रॉपर्टी का यूज बाउलीज ने किया है, मतलब बाउलीज में आपको फाइंड करना है Q1, Q3 एंड M। Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन M। मीडियन को आप Q2 भी कहते हो, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाई Q2। Q2 एंड मीडियन दोनों सेम ही है, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन फिफ्थ डिसाइल एंड फिफ्टीथ परसेंटाइल, वो चारों की वैल्यू सेम है। वो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमें कोई नया मेजर फाइंड नहीं करना है, आगे जो मेजर्स फाइंड किए हैं उनका डायरेक्टली हमें यूज करना है। मतलब कि कार्ल पियर्सन्स मेथड में आपको मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, बाउलीज मेथड में Q1, Q3 एंड M फाइंड करना है। अब हम दोनों मेथड्स को वन बाय वन पहले समझते हैं, बाद में उनके सम्स करेंगे। फर्स्ट मेथड इज कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन विच इज द नेम ऑफ स्टेटिस्टिशियन आपको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया है, द फादर ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स इज कार्ल पियर्सन। और मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स जितना भी है उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई ने फाउंड किया है मेथड्स मेजर्स वगैरह तो वो कार्ल पियर्सन, एंड दूसरा नेम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगा, यहाँ पर अभी आपको कार्ल पियर्सन का ही नेम आएगा। फिर थर्ड चैप्टर से अगर हम स्टार्ट करें तो थर्ड चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक मेजर था मोड। मोड आपने फाइंड किया है, मोड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फॉर अनग्रुप डेटा एंड मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को मालूम है कि अगर मोड डिफाइन है तो एम ओ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी फॉर्मूला का यूज़ करते हो। और अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, मीन्स मोड इल डिफाइन है, मोड वहाँ पर हम अगर फाइंड नहीं कर सकते, कब फाइंड नहीं कर सकते, अगर क्लास लेंथ अनइक्वल हो या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो, तो वहाँ पर आप एक एम्पिरिकल फॉर्मूला आई थी एम ओ इक्वल टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार, वो कार्ल पियर्सन ने दी हुई है। बाद में फोर्थ चैप्टर में आप लोगों को मालूम है द आइडियल मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका फाउंडर भी कार्ल पियर्सन है। फिर दूसरा मेजर आया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, उनका फाउंडर भी कार्ल पियर्सन है। मींस कार्ल पियर्सन ने स्टेटिस्टिक्स में बहुत बड़ा
उनका योगदान रहा है। तो यहाँ पर स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने की फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स मेथड। और कार्ल पियर्सन्स मेथड में यहाँ पर हमें दो केसेस है। फर्स्ट है मोड इज डिफाइंड। मोड जब भी डिफाइन हो तब स्क्यूनेस की फॉर्मूला है एक्स बार माइनस एम ओ एंड जे की फॉर्मूला है एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस। आप लोगों को मालूम है यहाँ पर एक्स बार मीन्स मीन, एम ओ मीन्स मोड, एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मोड इज डिफाइंड, कब डिफाइन है कब इल डिफाइन है वो हम बाद में देखेंगे। पहले मोड अगर डिफाइन है तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला है एक्स बार माइनस एम ओ एंड जे इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है जे इक्वल टू एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस। और अगर मोड इज इल डिफाइंड, अगर मोड डिफाइन नहीं है तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला है 3 इंटू एक्स बार माइनस एम एंड जे इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। एक्स बार मीन्स मीन, एम मीन्स मीडियन एंड एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मोड इल डिफाइन हो, तो जब मोड डिफाइन होगा तो जे की वैल्यू लाइंग बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। अगर मोड डिफाइन है तो इस फॉर्मूला से आप जे फाइंड करोगे, और अगर इस फॉर्मूला से जे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करोगे तो उनकी वैल्यू की रेंज आएगी माइनस वन टू प्लस वन, मीन्स माइनस वन से कम नहीं होगी, प्लस वन से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर मोड इज इल डिफाइंड, अगर डिफाइन नहीं है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस फॉर्मूला से फाइंड करोगे और तब उनकी रेंज होगी माइनस थ्री टू प्लस थ्री। अगर इस फॉर्मूला से आप जे फाइंड कर रहे हो तो मिनिमम माइनस थ्री, मैक्सिमम प्लस थ्री और उनके बीच में वैल्यू आएगी। तो ये दोनों फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की है। हर एक सम में आपको चेक करना है कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। कैसे, तो कब मोड डिफाइन होगा कब मोड इल डिफाइन होगा। तो यहाँ पर चैप्टर का नेम है स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो ही टाइप आएगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में अगर हम देखें तो डिस्क्रीट में x एंड f होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो x है उनमें जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका डिस्टेंस सेम हो एंड फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन टाइम हो तो मोड इज डिफाइंड। फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट में x जो ऑब्जर्वेशंस है वो सभी ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है, फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन टाइम है तो मोड इज डिफाइन, यहाँ पर आपको जाना है। और अगर ऑब्जर्वेशंस इक्विडिस्टेंस नहीं है या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है तो मोड इज इल डिफाइन, ये फॉर्मूला में जाना है फॉर डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस में क्या आएगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर सभी क्लास की क्लास लेंथ इक्वल है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वन टाइम है तो मोड इज डिफाइन। और अगर क्लास लेंथ अनइक्वल हो या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो तो मोड इज इल डिफाइन, इस फॉर्मूला से आपको करना है। तो जब भी आप सम्स करोगे सबसे पहले चेक करना है कि मोड डिफाइन है या इल डिफाइन है। डिफाइन है तो यहाँ पर जाना है, इल डिफाइन है तो यहाँ पर जाना है। अगर डिफाइन है तो आपको मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और इल डिफाइन हो तो मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। दोनों में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो कॉमन आएगा क्योंकि मीन इज द आइडियल मेजर अमंग ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन आइडियल मेजर अमंग ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो वो दोनों को तो आपको यूज करना ही है। और वो दोनों का यूज करने के बाद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो भी आपको मालूम है। चेंज आता है, डिफाइन में मोड फाइंड करना है, इल डिफाइन में मीडियन फाइंड करना है। और ये मेजर्स कैसे फाइंड करने हैं वो आपने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर नया आएगा, बाकी तो सब सेम ही है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट मेथड हुई कार्ल पियर्सन्स मेथड। अब जो सेकंड मेथड है बाउलीज मेथड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।